गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में शेप्स एंड पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं शेप्स हमने कल देखा था, आज हम देखेंगे पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम देखते हैं पैटर्न क्या होता है। पैटर्न होता है स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ का बार बार से रिपीट होना, उसको हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। ये देखिए, ये सर्किल है, उसके बाद एक और सर्किल है, देन ट्रायंगल, देन सर्किल, देन सर्किल, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, पैटर्न आपको दिख रहा है ना, तो उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, सर्किल सर्किल ट्रायंगल सर्किल सर्किल, तो फिर क्या आएगा, ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आएगा, फिर दो सर्किल, फिर ट्रायंगल एंड फिर दो सर्किल, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे पैटर्न। ये देखिए, W है, M है, W है, फिर M है, तो फिर क्या आएगा, W, फिर क्या आएगा, M, उसके बाद W एंड उसके बाद M। ठीक है, थर्ड वन इज, एक बार एरो ऊपर की तरफ है, एक बार एरो नीचे की तरफ है, फिर एक बार ऊपर की तरफ, फिर एक बार नीचे की तरफ, तो फिर एक बार ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। सिमिलरली द क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज अदर, सो वी, फिर उल्टा वी, फिर वी, फिर उल्टा वी, तो फिर वी, देन उल्टा वी, देन वी। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैटर्न। ठीक है, किसी भी चीज़ का बार बार रिपीट होना। सिमिलरली ट्राइंगल स्क्वायर सर्किल, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, फिर सर्किल, फिर ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पैटर्न। थैंक यू।